हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है आइए बताती हूँ। नेचुरल नंबर्स होता है द सेट ऑफ नंबर्स, उस नंबर का सेट जैसे कि हमारी काउंटिंग्स है 1 से लेके मतलब बिल्कुल अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक। हाँ, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या, ये सेट ऑफ नंबर्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इस नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि काउंटिंग स्टार्ट होता है ना 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब अन्यथा 100, 1000, 1 लाख, इस तरह से। वो हमारा सेट ऑफ जो नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो है वो हमारा होता है दो पार्ट में डिवाइड। नेचुरल नंबर हमारा होता है दो पार्ट में डिवाइड, कौन कौन सा, पहला होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, सुनने में बहुत भारी भरकम लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। आइए सुनाती हूँ, बताती हूँ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो गया 2। अब 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। तो 1 और 2 जो हो गया वो 2 के फैक्टर हुए। तो जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होंगे उस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 के फैक्टर हैं हमारे 1 और 3, कैसे, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3। हाँ, तो जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होंगे उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर के ऊपर। कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा 4 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो 4 के फैक्टर क्या क्या हुए, 1 2 और 4, तो 2 से ज़्यादा हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 8, तो हमारा 8 का फैक्टर क्या क्या है, हाँ स्टार्ट करते हैं 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, ठीक है। तो हमारा 8 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 1 2 4 और 8, तो 4 फैक्टर हुए 8 के। तो वो हमारा 8 हमारा क्या कहलाएगा, 8 हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो होप आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर होगा। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट ये है, नंबर 1 इज़ द नाइदर प्राइम और कंपोजिट एट इज एन ओनली 1 फैक्टर। नंबर 1 जो है, 1 नंबर, वही एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है। प्राइम नंबर में भी मिनिमम 2 फैक्टर होता है और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा होता है, पर नंबर 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 1 फैक्टर है। तो ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो ये हमेशा याद रखें कि नंबर 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नंबर 2, नंबर 2 जो है वो सबसे छोटा, सबसे द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर सबको पता होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर 2 जो है वो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। नंबर 3 जो है वो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के फैक्ट्स। होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।